अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लाहौर का मेगा प्रोजेक्ट ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मनसूबा मुकम्मल हो गया। आज हम बात करेंगे ऑरेंज लाइन ट्रेन की। ऑरेंज लाइन ट्रेन में सफर करने वाले शहरी जहां बर वक्त अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे, वहीं सफर के दौरान तारीखी मकामात को भी देख सकेंगे। मुल्की तारीख के सबसे बड़े ट्रांसपोर्टेशन के जदीद मास ट्रांसिट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया गया है। ट्रैफिक के बढ़ते दबाव के पेश नज़र दुनिया भर के तरक्की याफ्ता ममालिक में मास ट्रांसिट सिस्टम का रुझान बढ़ता जा रहा है। मास ट्रांसिट सिस्टम को मुतारफ कराने का मकसद कारों पर इन्हिसार को कम से कम करके लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इस्तेमाल करने की तरफ रागब करना है, जिससे न सिर्फ शहर की आलूदगी कम होगी बल्कि शहरों में हर तरफ होने वाली भीड़ और ट्रैफिक मसाइल भी कम होंगे। जाती गाड़ियों पर होने वाले अखराजात में भी कमी आएगी। ऑरेंज लाइन में बुजुर्गों, मजदूरों, खवातीन और बच्चों के बैठने के लिए खसूसी नशस्तें रखी गई हैं। ट्रेन की हर बोगी को फायर सेफ्टी सामान से मुजयन किया गया है। ट्रेन में खुद कार निजाम स्टेशन के हवाले से आगाही देता है। ट्रेन हर 2 मिनट बाद एक स्टेशन पर रुकती है। ट्रेन सुबह 6 बजे से रात 8:30 बजे तक चलेगी। ट्रेन के खुद कार गेट्स रुकने पर खुलते और चलने पर बंद हो जाते हैं। ट्रेन के अंदर एयर कंडीशनिंग का जदीद निजाम टेम्परेचर को दुरुस्त रखता है। जिन लोगों के पास मेट्रो बस का कार्ड मौजूद है, वो यही कार्ड ऑरेंज लाइन ट्रेन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑरेंज लाइन ट्रेन का इफ्तिताह एक तरफ जीरे आला पंजाब उस्मान बुजदार ने और दूसरी तरफ नून लीगी रहनुमाओं ने किया। इफ्तिताही तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी और इफ्तिताह के बाद ऑरेंज लाइन ट्रेन ने अपना पहला सफर भी मुकम्मल किया। 27 किलोमीटर ट्रैक पर 26 स्टेशन बनाए गए हैं। 24 एलिवेटेड और 2 अंडरग्राउंड स्टेशन हैं, जो डेरा गुजरा से शुरू होकर अली टाउन पर खत्म होंगे। ट्रेन का किराया 40 रुपए वन साइडेड मुकर्रर किया गया है। लाहौर के शहरी 26 अक्टूबर 2020 बरोज पीर से ऑरेंज लाइन ट्रेन में सफर कर सकेंगे। ट्रेन की सफाई का काम लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को सौंपा गया है। बिजली से चलने वाली ट्रेन को 8 ग्रिड स्टेशन बिजली मुहैया करेंगे। वजीर ट्रांसपोर्ट पंजाब का कहना है कि एक चक्कर पर ट्रेन में 14 से 16 हजार रुपए की बिजली खर्च होती है। बिल की मद में महाना 2 अरब का तखमीना लगाया गया है। बिजली से चलने वाली ऑरेंज ट्रेन मुकम्मल ऑटोमेटिक है। जराए के मुताबिक मुस्तकबिल में ट्रेन का ऑपरेशन टाइम 16 घंटे तक बढ़ाने का मनसूबा है। ट्रेन के तमाम रास्तों पर और ट्रेन के अंदर कैमरे नस्ब हैं। ये मनसूबा 5 साल के अरसा में मुकम्मल हुआ और मनसूबे पर $1.45 अरब लागत आई। चीन से 200 ड्राइवर पर मुश्तमिल माहरीन की एक टीम पाकिस्तान आई है, जो 3 माह तक पाकिस्तानी ड्राइवर्स को तरबियत देगी। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट का कहना था कि 2.5 लाख मुसाफिर योमिया का हदफ पूरा करने की कोशिश करेंगे और 6 माह तक स्टेज वाइज किराया मुकर्रर करने की कोशिश करेंगे। ट्रेन डेरा गुजरा से अली टाउन तक 27 किलोमीटर का फासला 45 मिनट में तय करेगी। इसमें 200 मुसाफिरों के बैठने और 800 मुसाफिरों के खड़े होने की गुंजाइश है। याद रहे कि साबक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने अगस्त 2015 में ऑरेंज लाइन ट्रेन का काम शुरू करवाया था। $1.62 अरब की लागत से इस मनसूबे को दिसंबर 2017 में मुकम्मल होना था, लेकिन अदालती हुक्म मुतराई और हुकूमतों की तब्दीली के बायस ये मनसूबा 2 साल की ताखीर का शिकार हुआ। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी LDA ने ऑरेंज लाइन ट्रेन मनसूबे के सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल काम के मुकम्मल होने के सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया है। तर्जमान LDA का कहना है आइंदा 3 साल तक ट्रैक की मरम्मत की जिम्मेदारी LDA की होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल उर्दू नॉलेज को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन बटन पर क्लिक करें, ताकि आपको हर नई वीडियो के मुतालिक इन्फॉर्मेशन मिल सके। मेरी इस वीडियो के मुतालिक अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए।